नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हम लोग कक्षा 6वीं की सभी बुक्स देख चुके हैं, कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं की बुक्स देख भी चुके हैं हम लोग। कक्षा 9वीं में हम लोग दो बुक्स देख चुके हैं, ये आपकी तीसरी बुक है। दो बुक कौन कौन सी थी? वो लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट और समकालीन भारत फर्स्ट। अब हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें आपका एक अध्याय खत्म कर चुके हैं, ये आपका दूसरा अध्याय है। याद रखिए, अगर आप सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ लें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। समय रहते पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए दूसरा अध्याय हम लोग जानते हैं। बड़े धैर्य के साथ सुनिए, इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए, बस आपको धैर्य के साथ पढ़ना। अवलोकन। संसाधन के रूप में लोग अध्याय अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाता है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। यहाँ सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर में कोई गाड़ी रखते हैं या फिर कोई जानवर रखते हैं, अगर अगर आप लोग उसे खिलाएंगे अच्छे से, मान लीजिए एक गाय, आपने गाय रखी, अगर गाय को खिलाएंगे नहीं तो वो दूध कहाँ से देगी? तो आप जितना उस पर इन्वेस्ट करेंगे यानी कि लागत लगाएंगे उसमें, उतना ही आपको फायदा होगा। तो इसी तरह मानव में भी होता है, अगर मानव को आप शिक्षा नहीं देंगे, प्रशिक्षण नहीं देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं करवाएंगे तो मानव पूंजी कहाँ से उत्पन्न होगी? तो इसके लिए मानव पूंजी को उत्पन्न करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं परिचय। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यगत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनसे योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन या विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू जिसे फ्रा उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। याद रखिए, बार बार मैं बोलता आया हूँ कि जापान का सक्सेस होने का, विकसित देशों में सम्मिलित होने का एक ही कारण है, मानव पूंजी, ठीक है, क्योंकि वहाँ शिक्षा हो, फिर चाहे आपका स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इस पर अधिक बड़े स्तर पर ये खर्च किया जाता है, ठीक है। और आप ही सोचिए कि दो बार वो हम परमाणु बम झेलने के बाद भी विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हुआ है जापान, ठीक है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भूमि भौतिक पूंजी की विभाति प्रतिफल प्रदान करता है। अब आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, आप उसे शिक्षा नहीं देंगे, प्रशिक्षण नहीं देंगे, उसके स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करेंगे, वो कैसे आगे बढ़ के कुछ कर पाएगा? कर पाएगा नहीं। अगर आप लोग उसे शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उसके स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो वो आगे चल के अपना जो भी काम करेगा कर लेगा अच्छी भली मेहनत से, ठीक है। अधिक शिक्षित या फिर बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किसी प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है।
भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। मानव संसाधन क्या है? क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है या उससे अधिक है? मानव पूंजी क्या है? क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है या उससे भी अधिक है? तो मानव पूंजी सबसे बड़ा है, मानव संसाधन आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि मानव ही ने बाकी संसाधनों को पैदा करने या उन्हें पहचानना या फिर संसाधनों की श्रेणी में उन्हें लाकर खड़ा करना मानव का ही काम है। आप ही सोचिए कि कुछ दिन पहले आप लोग गाय को नहीं पालते थे, आज से कुछ सालों पहले भैंस को नहीं पालते थे, आप रेत इस तरह की हीरा लोहा का उत्पादन यानी कि उपयोग नहीं करते थे। जैसे ही मानव की सोच विकसित होती गई, उन्होंने संसाधन बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, और जब तक हमारे उपयोग में नहीं आता है तब तक वो संसाधन हो ही नहीं सकता है। अब हजारों वस्तुएं हमारे सामने पड़ी हुई हैं, वो सभी संसाधन तो नहीं है, लेकिन जिनका उपयोग संसाधन के रूप में किया जाने लगता है वो संसाधन बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यही मानव पूंजी है, संसाधन की रूप में लोग, यहां देखिए स्वास्थ्य, यहां काम कर रहे हैं, ठीक है, मानव पूंजी, ये है आपकी मानव पूंजी। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या फिर उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि बौद्धिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि पूंजी का उपयोग कर सकता है, भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते हैं। समझ में आया? भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपका मानव संसाधन उसमें ना लगे। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में, औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि बस संसाधनों के व्यय द्वारा। निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादन संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। अब आप सोचिए, अपने यहाँ इंडिया में अभी एक युवा वर्ग की जनसंख्या बहुत है, अगर इसे संसाधनों में बदल देती है सरकार, यानी कि इन्हें प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध करा देती है, तो देश को भी फायदा होगा, और अगर नहीं कराएगी तो यही जनसंख्या बुढ़ापे में बदल जाएगी, यानी कि आश्रित, अभी जनसंख्या है आश्रित हो जाएगी, तो आश्रित हो जाएगी तो उसके बाद आपको हानि होगी, क्योंकि जो 60 से ऊपर की एज होती है या फिर आप लोग 0 से लेकर 15, 16, 17 तक ले सकते हैं, ठीक है, तो इसके बाद आदमी दूसरे पर आश्रित हो जाता है, यानी कि खर्च बढ़ जाता है, उससे घाटा ही होगा, आपको फायदा नहीं होगा। तो 15 से 59 साल तक की जो एज है यही आपके लिए उत्पादन करती है। सकल की कहानी। दो मित्र विलास और सकल एक ही गांव में सेमापुर में रहते थे। सकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। सकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें अपने उसने सीख प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने सकल के लिए कंप्यूटर की व्यवसाय कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। सकल प्रभावशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूर्ण किया।
कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर डिजाइन की भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी। आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि सकल पर जो खर्च किया गया है उसी का परिणाम है। या देखिए, उसके बॉस ने उसे पदोन्नति दी, यानी कि वो सक्सेस लाइफ जी रहा है। ठीक है, अब आप लोग बिलास की कहानी सुनिए। बिलास 11 वर्ष का एक लड़का था। वह सकल के ही गांव में रहता था। बिलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। बिलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। बिलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सकता। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता और अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। अब आप लोगों ने दोनों कहानियां पढ़ी हैं, एक विलास की और एक आपने सकल की। अब देखिए, इसमें उस पर खर्च किया गया, यानी कि उसे संसाधन बना के खड़ा कर दिया गया। और आपके जो विलास है तो इसे ना इस पर ज्यादा खर्च किया गया है, ना इसे एक प्रोडक्ट मतलब एक संसाधन की कह लीजिए या मानव पूंजी नहीं बन पाया, इससे वंचित रह गया। ठीक है, क्रियाकलाप याद रखिए। इस तरह के जो भी क्रियाकलाप हुआ करेंगे आप इसे पढ़कर निकल जाया करिए, इनमें टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है। पास के किसी गांव या झुग्गी इलाके में जाएं और अपने उम्र के किसी लड़के या लड़की का अध्ययन करें जो विलास या सकल जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहा है। यहाँ आप लोग इस तरह से ले सकते हैं, किसी बस्ती में जाइए, देखा होगा आपने अक्सर, वहाँ जो टीचर पढ़ाने आता है उसके बच्चे VIP स्कूल में पढ़ते हैं और वो अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। वहीं जो बस्ती के बच्चे होते हैं उन पर ना तो अच्छी तरह से शिक्षक ध्यान देता है, ना उन्हें पढ़ाया जाता है, तो वो उसी बस्ती में जीते रहते हैं, वहाँ से नहीं निकल पाते हैं उस गरीबी से। ठीक है, अगर उन्हें भी हम लोग शिक्षा उपलब्ध कराएं, स्वास्थ्य उपलब्ध कराएं, तो वो भी एक संसाधन बन सकती है मानव से। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जो विलास था एक गठिया का रोगी था, यानी कि अस्वस्थ था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की और सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई है। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। एक बात हमेशा याद रखिए, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। पढ़ाई पर आप लोग जो भी खर्च करते हैं वो आपके लिए उपयोगी रहता है, ये हमेशा याद रखिए। ठीक, इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपने जीवन यापन करता, इसलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता है। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की तरह है। मैं हमेशा से बोलता है
कि शिक्षा और चिकित्सा के लिए हमारे देश में फ्री कर देनी चाहिए, चाहे वे 100 रुपये का इलाज हो या फिर 1 लाख का या 10 लाख का, इसमें कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। उच्च शिक्षा जिस तरह से बड़े लोगों को मिल रही है उसी तरह से इनको मिलना चाहिए। अगर इन्हें भी आप लोग शिक्षा और स्वास्थ्य देते हैं तो आप इन्हें भी एक अच्छी मानव पूंजी में बदल सकते हैं, वरना यही देश का हाल रहेगा। और मानिए इससे उन्हें तो फर्क पड़ ही रहा है जो वो अकुशल श्रमिक हैं, लेकिन इससे देश पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्चाय और समाज को बेहद योगदान के रूप में अधिक विधि फल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। पता है अगर सरकार शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दे तो सरकार को इनडायरेक्ट ऋण की तरह, जो आपने देखा होगा किसानों को अगर अच्छी व्यवस्था करवा दी जाए तो कर्ज माफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी सोचिए, अगर किसान की फसल अच्छी होती है तो किस लिए कर्ज माफ करना पड़ेगा, वो तो उल्टा टैक्स देने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक, जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। अब आप ही सोचिए, 2 बार परमाणु हमला झेलने के बाद कौन सा देश है जो खड़ा होने की हिम्मत रखता है। जापान ने एक ही 1945 में यहाँ 2 बार परमाणु बम गिराए गए अमेरिका के बाद, फिर भी देखिए आज जापान आपका विकसित देशों में जाकर खड़ा हो चुका है। ठीक है, उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, याद रखिए उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन मानव संसाधन है। अब आप सोचिए कि आपके यहाँ 1 किलो लोहा का उत्पादन हो रहा है, कच्चे लोहे का, आपके यहाँ मानव संसाधन होता तो उसका उपयोग विभिन्न चीजें बनाकर, जैसे कील बनाकर, ट्रैक्टरों के या किसी मशीन के कलपुर्जे बनाकर उन्हें बेच देता, उन्हें मतलब अच्छे से प्रोडक्शन करता। लेकिन आप सोचिए कि कच्चा लोहा आपका 25 रुपये किलो बिक रहा है, वही जाके जापान जाता है, वहां मानव का दिमाग लगता है उसे कीलों में बदल दिया जाता है, छोटे छोटे औजारों में। आप चाकू को ले सकते हैं, अब देखिए चाकू 1 किलो लोहे में 100 चाकू निकलती है मान लीजिए, और आपका लोहा कितने का मिला था, 1 किलो 25 रुपये, 25-30 मान लीजिए आप लोग। ठीक है, अब 100 चाकू निकल जाएंगी, 10 ही रुपये की बिकेगी तो कितना हो गया, 1000। एक इसका कमाल है मानव पूंजी का, यानी कि मानव संसाधन का, मानव दिमाग का। ठीक है, तो यही हाल है जापान का, और भारत का यह है कि हाल की डायरेक्ट कुछ नहीं बनाने की हिम्मत रख पाते, यानी कि हमारे यहाँ श्रमिक जो मानव संसाधन है इसमें पिछड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप सोचिए अभी भी कई देश अमेरिका रूस जैसे देशों पर निर्भर करते हैं कई सामान बनाने में, लेकिन अब काफी हद तक भारत निर्भर होता जा रहा है। यह विकसित धनी देश है आपका जापान, वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी विकसित बने, उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की उसी से देश धनी विकसित बने हुए। पुरुषों और महिलाओं की आर्थिक क्रियाकलाप, विलास और सकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न है। हमने देखा है कि विलास मछलियां बेचता था और सकल को एक फार्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख श्रमिकों, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। फिर आता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, इसमें आपका विनिर्माण क्षेत्र आता है, यानी कि जहाँ जैसे आपके
मान लीजिए कि दूध उत्पादन हो रहा है, तो वो आपका प्राथमिक चित्र में आ जाता है। उसके बाद उससे पनीर बन रही है, उससे चॉकलेट बन रही है, या कोई और भी सामान बन रहा है, उसे आप द्वितीयक चित्र कह सकते हैं, यानी कि यहाँ जहाँ उसका विनिर्माण होता है। तृतीयक चित्र उसे कह सकते हैं जो सेवा के द्वारा, किसी भी सेवा के द्वारा पहुँचाया जा रहा है, जिसमें आपका व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए गए हैं आपके तृतीयक क्षेत्र में। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। एक क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल वर्धन करते हैं। एक क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, अर्थात आर्थिक क्रियाएं क्रियाओं के दो भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं की बात करें तो इसमें वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है। इनमें आपकी सरकारी सेवा सहित वस्तु या फिर सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। अगर हम लोग गैर बाजार की बात करें क्रियाओं की, गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपयोग, उपसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का सौलेखा शामिल होता है। क्रियाकलाप अपने निवास क्षेत्र से के निकट स्थित किसी गांव अथवा कॉलोनी में जाए, उस गांव अथवा कॉलोनी के लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को लिख सकते हैं। अगर यह संभव नहीं है तो अपने पड़ोसियों से पूछें कि उनका व्यवसाय क्या है, उनके काम को आप तीन चित्रक में कैसे चित्रक में रखते हैं। बताइए कि क्रियाकलाप आर्थिक क्रिया है या गैर आर्थिक। विलास गांव के बाजार में मछली बेचता है। विलास अपने परिवार के लिए खाना बनाता है, पकाता है। सकल एक प्राइवेट फार्म में काम करता है। सकल अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करता है। याद रखिए सेवाएं, जैसे सकल एक प्राइवेट फार्म में काम कर रहा है तो ये सेवा दे रहा है, ठीक है। विलास अपने परिवार के लिए खाना बना रहा है तो सेवाएं ही दे रहा है, ठीक। पुरुष सहयोगी की तरह उसकी आय, उसकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। यानी कि आप किस तरह से विलास और सकल के रूप में ले सकते हैं। देखिए सकल की आय कितनी बढ़ जाती है और जो विलास है आज भी उसी पद्धति से जीवन यापन कर रहा है। इसी तरह आपके अंदर अगर शिक्षा और कौशल है तो आप किसी भी पोस्ट पर जा सकते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, ठीक है। जब आपके पास कौशल नहीं रहेगा तो आप किसी भी कंपनी में कोई रखने के लिए तैयार ही नहीं होगा, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में फिसूर्ती अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण, चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है, जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या फिर साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछें कि वह क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। चलते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता देखते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती है। क्या होती हैं? परिसंपत्तियां होती हैं, आपके लिए संपत्ति होती है। याद रखिए आप लोग अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए, बस आपको बड़े धैर्य के साथ पढ़ना है। इसीलिए आपसे बोला जाता है
एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, कि आपका एक बेस मजबूत हो जाए कि आगे आप अगर टेक्स्ट बुक कोई पढ़ते हैं तो वो समझ में आ सके। ठीक है, शिक्षा। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया है। हमने देखा है कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत है। इसने उसके लिए नए चेतज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। ना केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच धारण गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यवसायिक शाखाएं विकसित की गई। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,766.90 करोड़ रुपए हो गए। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1991-92 के 0.64% से बढ़कर 15-16 में आपका 3% बजटीय अनुमान हो गया है। यानी कि शिक्षा पर आपका 3% से ज़्यादा खर्च किया जाने लगा है बजट में। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2017-18 में घटकर 2.7% बताया गया। इससे साक्षरता दर 1991 के 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने और अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाए जाते हैं। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब आपकी 16% अधिक है। वर्ष 2011 के केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% थी। कितनी? 94%। जबकि आपका बिहार की बात करें 62% ही है यहाँ। वर्ष 2013-14 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.58 लाख से भी अधिक गांव में फैली। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई में बीच में छोड़ने की उच्च दर में ने कमजोर कर दिया। 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है, याद रखना। राज्यों और स्थानीय सरकारों प्राथमिक शिक्षा सार्वभौम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लॉटो शिविर प्रारंभ किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। अगर हम लोग 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु के वर्ग के नामांकन में 25.2% तक की वृद्धि वर्ष 2017-18 एवं 30% की वृद्धि 2020-21 तक करने का प्रयास किया गया, यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा औपचारिक अनौपचारिक दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थाओं के अभी समय पर भी केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्र में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों
तथा विश्वविद्यालय की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1991 से 51 से 2015-16 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती की साइंट 2.1 में देखेंगे हम लोग। अभी बात करते हैं, याद रखिए आप लोग हमेशा कि अगर आप किसी को शिक्षा देते हैं तो इससे बड़ा कोई काम नहीं होता है। आर्टिकल 21 के तहत आपका शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, जो आपका 6 वर्ष से लगाकर 14 वर्ष तक, तो इसका बहुत कुछ फायदा हुआ है देश में। और आप ही सोचिए कि अगर जनता पढ़ लिख जाती है तो एक समझदार जनता रहेगी, वो अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहेगी और अपने कर्तव्यों के प्रति इस तरह से बवाल नहीं करेगी। कहीं भी आपने देखा भीड़ तंत्र सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ करने लगती है, तो उनमें एक कर्तव्य तो रहेगा, लेकिन आप जानते हैं नेता ये कभी नहीं चाहते कि जनता समझदार हो, क्योंकि एक बिना पढ़ी लिखी जनता को किसी भी दिशा में मोड़ना बहुत आसान होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, उनके आगे 2-4 वादे कीजिए अच्छे से और अच्छे से बात कीजिए, वो मोड़ जाती हैं। बहुत ही साधारण यानी कि बहुत सीधी जनता होती है, इसी का फायदा नेता उठाते हैं। ठीक है, तो इसी के चक्कर में आपका जो शिक्षा का अधिकार है इसे शामिल किया गया। ठीक है, इन्हें हम लोग देख लेते हैं। उच्च शिक्षा के संस्थानों की संख्या, नामांकन संख्या, ये आपका वर्ष दिए गए हैं, ये महाविद्यालयों की संख्या दी गई है, विश्वविद्यालय की संख्या दी गई, विद्यार्थी, शिक्षण, यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें पीडीएफ। ठीक है, 1950-51 में महाविद्यालयों की संख्या आपकी 750 थी, विश्वविद्यालयों की संख्या आपकी 30 थी, विद्यार्थियों की संख्या 263,000 थी और शिक्षक यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज में 24,000 थे। अब हम लोग चलते हैं 16-17 की बात करते हैं, तो महाविद्यालयों की संख्या कितनी बढ़कर हो गई, 42,338, विश्वविद्यालयों की संख्या 795 और विद्यार्थियों की संख्या 2,94,27,158 प्लस। और यहाँ आपके अगर शिक्षक यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज की बात करें तो 14,70,190। याद रखिए ये आंकड़े बदलते रहते हैं, जब आपके आंकड़े आते रहते हैं करंट अफेयर्स से जुड़े रहिए आप लोग। ठीक है, वहाँ आप अपडेट होते रहेंगे इस तरह से। ठीक है, व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, जिसे बड़ी सहजता से गतिशीलता सावधानी पूर्वक सजोने पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षक की उत्प्रेरक भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए, बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। आप ही सोचिए कि अगर आपके गांव में आप मदद करते हैं, सालों से मदद करते आ रहे हैं, आपके माँ बाप के माँ बाप माँ बाप के माँ बाप इस तरह से मदद करते आ रहे हैं। ठीक है, किसी गरीब की मैं मान लीजिए, अगर आप लोग उस परिवार को शिक्षा देते और उसे आगे बढ़ाते, अगर उस गरीब परिवार में कोई शिक्षित हो जाता, अच्छी नौकरी करने लगता, तो आपको उसकी मदद करने की जरूरत पड़ती? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारे देश में अगर हो जाए तो किसी की मदद करने की सरकार को क्या जरूरत पड़ेगी? आप ही सोचिए, किसानों को अगर अच्छी फसल के दाम मिलने लगे, उनकी फसल अच्छी होने लगी, तो उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी मदद की। ठीक है, इसी तरह आप ले सकते हैं कि आप रोजगार के लिए अच्छे अगर कौशल उत्पन्न होता है तो वो अपना रोजगार खुद ढूंढ लेंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आए? ठीक, लेकिन आप अधिकतर देखते हैं, मैंने तो देखा है अधिकतर कि गरीबों पर कोई ध्यान नहीं देता है। जो प्राइमरी स्कूल में टीचर भी होता है वो भी अपने बच्चों को VIP स्कूल में पढ़ाता है, खुद जाके कुर्सी पर तान के बैठ जाएगा, सोएगा दिन भर। ठीक है, पढ़ाने की जगह। और सैलरी कितनी है? 40,000 से 50,000, उसमें से अपना कर्तव्य 1% नहीं निभाया जा रहा है। भारत में साक्षरता दर की बात करें लोग तो देखिए, 1991 में आपकी व्यक्तियों की टोटल क्या थी, 20% से भी कम।
और पुरुषों में आपकी 30% से कम थी और महिलाओं की बात करें तो 10% से भी कम थी, जो 2011 में बढ़कर क्या हो गई, आपकी ये 70+ पहुंच गई व्यक्तियों में टोटल, महिलाओं पुरुषों में। पुरुषों की बात करें तो ये आपकी 80 के बाद निकल गई पुरुषों में, और महिलाओं की बात करें तो 60+ है। ठीक है, अभी भी महिलाओं और पुरुषों के बीच काफ़ी बड़ा अंतर है। चलते हैं हम लोग आगे। इसके आप लोग पॉइंट करना सीखिए और निकल जाइए। पता है कौन हमारे लिए पॉइंट जरूरी है, यानी कि कौन हमारा बेस तैयार करते हैं, उन्हीं पॉइंटों को देखिए और वहां से निकल जाइए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। स्वास्थ्य फार्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फार्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ समय के बराबर कार्य नहीं कर पाए? बिल्कुल नहीं देगा। इसीलिए तो आपने देखा होगा महिलाओं की तुलना में लोग पुरुषों को अधिक नौकरी देने की क्षमता रखते हैं, यानी कि वरीयता रखते हैं। इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा महिलाओं में जब वो बच्चे होंगे तब उन्हें छुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उन्हें संभालने के लिए ज़रूरत, तो एक उनका क्लियर नहीं रहता है। और इसी हर कोई भी कंपनी खोलेगा, आप ही सोचिए, तो आप उत्पादन ज़्यादा करवाने की कोशिश करेंगे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि किसके घर में क्या हो रहा है, लेकिन आपको तो अपना लाभ बढ़ाने से मतलब होता है। ठीक, इसलिए महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक नौकरी में रखा जाता है स्वास्थ्य क्षेत्र में, यानी कि प्राइवेट क्षेत्र में, सॉरी। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देती हुई स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुँच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिकता, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2014 में 68.3 वर्ष अधिक हो गई। शिशु मृत्यु दर आपकी 1991 में 147 से घटकर 2016 में 34 पर आ गई है। इस अवधि में संशोधित जन्म दर गिरकर आपकी 20.4 और मृत्यु दर 4.6 पर आ गई है। ये सभी आपका शिक्षा में सुधार की स्थिति और स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति का ही परिणाम है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को प्रभावी प्रकृति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन का उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी गाँव में महामारी आती थी तो आधे गाँव सफाया कर दी दिया करती थी, ठीक है, कहीं बीमारी आ रही है कुछ तो पूरा गांव साफ हो जाता था। लेकिन अब स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई है तो हर चीज़ का इलाज ढूंढा जाने लगा है, ठीक है, इसीलिए आपकी जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी और शिशु मृत्यु दर भी बढ़ी, सॉरी शिशु मृत्यु दर कमी यानी कि घटकर कम हुई है। आपने देखा होगा ये बिना पढ़े लिखे तो बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है, इसीलिए तो बोलते हो कि अपने बच्चों को इस शिक्षा तो दीजिए, कम से कम वो बेवकूफ तो ना बने, किसी के बहकावे में तो ना आए, अंधभक्ति तो ना करें किसी की। क्या होता है कि जब हम किसी की अंधभक्ति करने लगते हैं तो हमें उसके सारे अच्छे बुरे गुण दिखना बंद हो जाते हैं, हमें उसकी अच्छाई दिखती है, ठीक है। अब बात करते हैं संबंधित वर्षों के स्वास्थ्य आधारित
संरचना, उपकेंद्रित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। देखिए 2013 में आपका 1,81,129 थे, जो आपके 2017 में 1,87,505 हो गए। औषधालय इसी तरह आप देख सकते हैं, बिस्तर भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत डॉक्टर हो गए, ठीक है। नर्सिंग होम, भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें एक मौलिक सुविधाएं भी नहीं है। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज, 301 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज। बात करते हैं बेरोजगारी के बारे में, जो सबसे बड़ा मुद्दा बना रहता है। सकल की माँ शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल और खेती काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। सकल का भाई जीतू और बहन सीता अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला या फिर जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब पिछली मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें। बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब पिछली मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक जो लोग हों उन्हें रोजगार नहीं पा सकें। यानी कि आप काम करने के लिए इच्छा है आपकी कि आप किसी कंपनी में काम करें, कहीं भी काम करें, लेकिन आपको रोजगार यानी कि वहाँ नहीं रखा जा रहा है, तब आप रोजगार होंगे। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं, उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या पर नहीं हो सकती है, ना ही जीतू सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष की बीच होती है, याद रखना श्रम बल कहलाते हैं। और जो आपके 0 से 15 वर्ष के होते हैं वो उस तरफ आपके 60 से लेकर 60+, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी कि इन्हें आश्रित जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित जनसंख्या। सकल के भाई बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकते। सकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है, वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। सकल के दादा दादी, नाना नानी, जिनकी एबीपी इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है, ठीक। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और विच्छिन्न बेरोजगारी होती है और नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः आपकी शिक्षित बेरोजगारी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब मौसम खराब होता है उसी समय मौसमी बेरोजगारी और विच्छिन्न बेरोजगारी होती है, और नगरीय क्षेत्र में शिक्षित तो हैं लोग फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उन्हें शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई, गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है। प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है, ऐसा प्रयाव कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं, इनमें से 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों इस खेती पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग विच्छिन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। आप इसे इस तरह से ले सकते हैं कि आपने देखा होगा अक्सर गांव में क्या होता है, जहां एक लोग की काम, जैसे खेती एक आदमी कर सकता है अगर बुआई करवानी हो, पानी दवाना हो, अगर एक आदमी के लिए वो काम है वहीं पूरा परिवार समट के लग जाता है, तो क्या होता है कि इससे उनकी आय में भी कमी
कमी ही रहती है। आप सोचिए, अगर घर में 3-4 भाई हैं तो एक खेती करे, दूसरा पशुपालन करवाए, तीसरा अन्य काम करे, तो उनकी आय भी बढ़ेगी। और अगर चारों खेती पर ही निर्भर रहते हैं तो जितना एक के करने से आय होगी उतना चार के करने से आय होगी, उनकी आय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आए? तो यही आपकी 95 बेरोजगारी होती है। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि पीएचडी करने वाले भी ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं। तो यही तो शिक्षित बेरोजगारी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति की अधिक के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक ओर तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है, लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है, शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के लिए इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है और कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब जो जिसे रोजगार नहीं मिलेगा वो दूसरे पर तो डिपेंड रहेगा खाने पीने के लिए। आप ही सोचिए, घर में अगर किसी के पास रोजगार नहीं है तो जो कमा रहा होगा वो खर्च दे रहा होगा, दे तो रहा होगा, अगर वो कमाता तो दूसरे पर डिपेंड भी ना रहता, ठीक है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य पर स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का एक सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे, जो हमारे भारत में अक्सर देखा जा रहा है। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादक वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपने पसंद की का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं चाहे उससे कितनी भी कमाई होती हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह यानी कि जीवन चलाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में 95 बेरोजगारी होती है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उससे पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी, उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती है। प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। आइए उपयुक्त तीनों क्षेत्रों में यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित 95 बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। कृषि यदि से श्रम का कुछ भाग द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रक में चला गया। द्वितीयक क्षेत्रक में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तृतीयक क्षेत्रक में
जैव प्राथमिक प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि श्री की विभिन्न नई सेवाएं सामने आई है। आइए जानने के लिए कहानी पढ़े, कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन सकते हैं। एक गांव की कहानी। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था, यानी कि उत्पादन कर लेता था, कि उससे उसके सदस्य खा पी सके। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते, और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गांव वापस लौट आए। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म का के हल का नमूना तैयार किया, जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वही उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपने अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ, जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए भी बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गाँव में स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब बचने लगा। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे, इसलिए उपज बढ़ गई। यह समृद्धि का कारण था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थीं। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वह गाँव जहाँ में प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक दर्जी एग्रो इंजीनियरिंग और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण गांव की कहानी है, जहां मानव पूंजी के उठते स्तर से ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के रूप में विकसित किया है। तो ये कहानी थी पूरी आपकी, मानव संसाधन को किस तरह से आप लोग विकसित कर सकते हैं, यानी कि मानव पूंजी को। इसी सारांश देख लेते हैं। आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगतें किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने में सहायता करती हैं। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा की गई। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी पढ़ा है। अंततः अध्याय एक गाँव की कहानी के साथ समाप्त होता है, जिसमें पहले कोई रोजगार नहीं था, पर बाद में वहाँ रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हुए। ये आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें आप लोग लगा सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके रख लें आप, ठीक है, क्योंकि कक्षा 9वीं से जो 12वीं तक की बुक्स हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो तीसरे अध्याय में हम लोग बात करेंगे निर्धनता एक चुनौती है, तो तीसरा अध्याय हमारा होगा यही।